अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं बनाऊंगी पुरानी दिल्ली के मशहूर दही बड़े। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये आधा किलो है ये मेरा दही, और ये 200 ग्राम है मेरा बेसन, और तलने के लिए लिया है पकौड़ियाँ मैंने ये तेल, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी खाने का सोडा मीठा, और ये लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून है मेरा लहसुन का पेस्ट, और ये 1/2 टीस्पून है मेरा ज़ीरा, और एक प्याज है बड़ा, एक हरी मिर्च है, और ये हरा धनिया है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले दही को फेंटेंगे अच्छे से, इसमें एक भी लम्स ना रहे, इसलिए हमें इसे अच्छे से फेंटना है दही को। तो देखिए हमारा दही अच्छे से फेंट लिया है हमने ये। अब मैं ये लहसुन का पेस्ट लूंगी जो मैंने लिया था, इसमें से मैं लूंगी 1/2। ये 1/2 लहसुन का पेस्ट लिया, 1/2 लूंगी मिर्च पाउडर, 1/2 लूंगी ये मैं इसमें नमक, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिला लूंगी। अब इसको मैं ये दही में डाल दूंगी। अब इसमें दही में मिला लेंगे हम ये मिर्च। आप अपनी पसंद के अनुसार भी रख सकते हैं। अगर आपको मिर्च थोड़ी तेज खानी है तो थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, और हल्की करनी है तो थोड़ा हल्का भी कर लें। अब मैं इसमें 250 मिलीलीटर पानी डाल दूंगी, चलाएंगे देखेंगे। हमें ये ज्यादा पतला नहीं करना और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये, क्योंकि हम अभी इसमें पकौड़ी डालेंगे तो और ये थोड़ा गाढ़ा होगा। पकौड़ी पानी पीती हैं, थोड़ा पानी इसमें और डाल दूंगी मैं अभी। 250 मिलीलीटर पानी इसमें और डाल दूंगी मैं। को ढककर रख देंगे। बेसन लेंगे अपना, बेसन में जो मैंने लहसुन का पेस्ट बचाया था ये डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, और ये मीठा सोडा डाल दूंगी। तो इसको बेसन को हम ये अच्छे से पानी डालकर घोल लेंगे। हमें ज्यादा केड़ा भी नहीं घोलना और ज्यादा पतला भी नहीं घोलना। तो ये देखिए हमने अपना बेसन कितना अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो ये देखिए बेसन को हमें रखे हुए हो गए हैं 15 मिनट। अब हम इसमें प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे ये डालेंगे, ये हरी मिर्च भी डालेंगे, ये हरा धनिया डाल देंगे, ये इसमें डालेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हम इसे पतला कर लेंगे पानी डाल के, बेसन को थोड़ा सा पतला करेंगे, ज्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि जितना पतला घोला बेसन होगा पकौड़ी हमारी उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, अब इसमें मैं ये पकौड़ी डालूंगी। देखिए मैंने अपने ये बना लिए पकौड़े, इनको पलट के मैं इनको ब्राउन हल्का ब्राउन करूँ।
तो ये देखिए हमारे पकोड़े हो चुके हैं। तो हम इसको, ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें डाल दूंगी और इन्हें हाथों हाथ निकाल दूंगी, ज़्यादा छोड़ना नहीं है हमें। हाथों हाथ निकाल के जो मेरी ये दही थी इसमें डाल दूंगी। तो इसी तरह अब हम दोबारा तेल गर्म करेंगे और अपना जो बचा हुआ बेसन है वो भी डाल के उनकी पकौड़ियाँ इसी तरह दही में डालेंगे। इसी तरह मैं सारी ये बेसन की पकौड़ियाँ बना लूंगी। तो ये भी हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं, इसको हम यहाँ पे पानी गिरा देंगे। इसको पानी में से निकाल के वापिस रायते में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब ये कढ़ाई में जो मेरा तेल था इसमें मैंने 2 टेबल स्पून तेल छोड़ा है, बाकी का तेल निकाल लिया है। अब इसको मैं गरम कर इसमें ये जीरा ब्राउन करूँगी। ये जीरा मेरा ब्राउन हो जाएगा। फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी दही पकौड़ी में। तो ये जीरा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसका तड़का इसमें दही पकौड़ियों में लगा दूंगी। इसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसे इसमें तेज़ी मिर्ची अच्छी लगती है, लाल मिर्च। हमारी दिल्ली में तो इसको दही बड़े कहते हैं और यूपी साइड में इसको दही पकौड़ी बोलते हैं। तो ये देखिए हमारे पुरानी दिल्ली के मशहूर दही बड़े तैयार हैं। आप इसको बनाएं एक बार, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये बहुत टेस्टी और ठंडे हैं गर्मियों के लिए। और दही इसके लिए आप मीठी लें, खट्टा दही ना लें इसके लिए, और फ्रिज में रखकर आप इसको खाएं, ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं ये। इन्हें हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो आपको अगर ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अलविदा।